हेलो फ्रेंड्स, सुनीता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं कटहल और फूलगोभी की सब्जी बनाऊंगी। इसके लिए सामग्री इस प्रकार है। 200 ग्राम मैंने फूलगोभी लिया है, 200 ग्राम मैंने कटहल लिया है, एक बड़े साइज का प्याज लिया है, दो मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 8 से 10 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक लिया है, हरा धनिया छोटे चम्मच से, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार लिया है, मसाले सारे इकट्ठे ले लिए हैं मैंने। इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर है, छोटे चम्मच से आधा चम्मच जीरा पाउडर और छोटे चम्मच से आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच छोटे चम्मच से गरम मसाला है, 1 चम्मच छोटे चम्मच से कश्मीरी लाल मिर्च है, 3 हरी मिर्च है, 1 तेज़पत्ता है। चलिए अब हम आगे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गोभी और कटहल में हम थोड़ा थोड़ा हल्दी डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा नमक डालेंगे। देखिए दोनों में इस प्रकार से डालना है और इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस प्रकार से मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले मैंने हल्दी डाल के मिक्स किया था, अब मैं नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं तेल गरम करूँगी। यहाँ पे मैंने सरसों के तेल का प्रयोग किया है, आप जो भी रिफाइंड खाते हो प्रयोग कर सकते हैं। जब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तब मैं फूलगोभी डाल के इसको तल लूँगी। इसी प्रकार से कटहल को भी डाल के तल लूँगी। ये देखिए मैंने कटहल डाल दिया है, इसको तेज आंच पे ही तलेंगे। इसमें उबालने की जरूरत नहीं होती है। ये देखिए भूरे रंग का हो गया, अब मैं इसे निकाल लूंगी। अब मैं फूल गोभी डालूंगी। ये देखिए मैंने डाल दिया है। डालते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी नमी आ जाती है तो छींटे आ जाते हैं। पहले से ही मैंने ये फूल गोभी और कटहल को धो लिया था अच्छी तरह से, तो नमक डालेंगे तो थोड़ी नमी सी हो जाती है, पानी जैसे निकल आता है बाहर। तो डालते समय ध्यान रखेंगे कि हाथ में छींटे ना आए तेल के। ये देखिए हल्के भूरे रंग का हो गया, अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। इसमें मैंने 2 चम्मच तेल छोड़ा है, बाकी तेल मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें तेज़पत्ता डालूँगी, प्याज डाल दूंगी, लहसुन अदरक डालूंगी और उसको अच्छी तरह से चलाऊंगी। अब हम आंच जो है मीडियम कर देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। ध्यान रखेंगे पहले भी हमने फूल गोभी और कटहल में नमक डाला था, इसलिए नमक हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, स्वाद अनुसार ही डालेंगे। इसमें मैंने इतना नमक डाला है कि बाकी बाद में हमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान हमें इस बात का रखना है कि पहले भी हमने नमक डाला था। यह हल्के भूरे रंग का होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। हल्दी पाउडर डाल दूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी कम होती है, मिर्च की मात्रा कम या ज़्यादा आप रख सकती हैं। मसाले मैंने डाल दिए हैं और इसको 2 से 3 मिनट भूनना है। इसके बाद मैं 1 कप पानी डाल दूंगी। ये देखिए 1 कप पानी डालना है।
इस दौरान जो हमारी आंच होगी वो धीमी होगी, 2 से 3 मिनट तक इसको भी भूनेंगे हम। ये देखिए थोड़ा गाढ़ा सा हो गया है। अब हम इसमें कटहल और फूलगोभी डाल देंगे। इस प्रकार से डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है, एक बार बना के ज़रूर देखें, मुझे यकीन है शायद आपको पसंद आए। दो से तीन मिनट ढकने के बाद अब मैं गैस बंद कर दूंगी। देखिए गैस बंद करने के बाद हम गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस दौरान जो है ना आँच हमने बंद कर दिया था। यकीन मानिए खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है, एक बार बना के ज़रूर देखें। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।